दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक्निकल नहीं सॉरी सॉरी अभी हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर वृंदावन। अब हमें पता नहीं है प्रेम मंदिर एक्चुअल में है कहाँ, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, घर वालों को जाते हुए देख के मुड़े। डोनेशन फ्रॉम घर वाले। पहले अपने रुकने की व्यवस्था देखते हैं, बैग रखेंगे, अपना सामान रखेंगे, फ्रेश होके फिर घूमेंगे। और ये हमें दोस्त मिले हैं नीरज भाई। यहाँ आओगे वृंदावन में बरसाने में तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई दोस्त मिलेंगे ही आपको। और बड़े ही प्यारे प्यारे लोग आते हैं, बड़े स्वीट हैं यार भाई बहुत अपने। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ रहने वाले स्पेशली जो ऑटो वाले, और वो बहुत बेकार हैं, सही बता रहा हूँ भाई। ये छत पे लेके आए हमें कि छत पे रूम है, यह रूम ही नहीं है। और ये निकला रूम कहीं से, अरे यार इसमें तो सिंगल है। सो गाइस देखो, अभी शाम हो चुकी है और हम यहाँ पर रुके थे, मैंने रूम लॉक कर दिया और मैं थोड़ा रेडी भी हो गया। नीचे मैंने ये वाइट पहन लिया क्योंकि यहाँ पे अभी इतनी होली नहीं है, तो अब शाम का टाइम है, अब थोड़ा ठंडा हो गया और मैं आराम भी कर लिया काफ़ी। अब बस निकलेंगे या पहुँचेंगे प्रेम मंदिर की तरफ। जो इस्कॉन वाला यहाँ नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, लगा लिया मैंने ऑलरेडी। इतने दिन का यहाँ आया हुआ हूँ, आज मैंने ये सब पता नहीं क्या लगवा लिया। मतलब होता कुछ नहीं है, इससे लगता है कि हम टूरिस्ट हैं और कुछ नहीं। पर अंदर अलाउ नहीं है तो हमने कैमरा छिपा दिया है। अरे यार छिपा दिया। ये है प्रेम मंदिर, यहाँ की सबसे फेमस मंदिर। और इसके अंदर जाके हम आपको दिखाते हैं, यहाँ कुछ झांकियाँ टाइप बना रखी हैं श्री कृष्ण शेषनाग पर। यहाँ बहुत ही शांति है। ये पता नहीं क्या है, जो भी है हम तो नहीं जाने वाले। अच्छी जगह है यार बहुत, और जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने देखा है, ये नाइट में देखने लायक जगह है बिल्कुल। हम अभी तो नहीं जा रहे, जब तक लाइट जल रही है तब तक जाएंगे। अभी पता नहीं है कहाँ जाना है, बट कहीं तो जाएंगे यार। आगे पीछे हर जगह बहुत सुंदर है, श्री राधे। अभी भाई पता नहीं कहाँ पीछे रह गया, ताऊ जी का फोन आ गया था, वो पूछ रहे थे कहाँ रुका है कैसे क्या, और वो भाई पता ही नहीं किधर है। और यहाँ पर नेटवर्क की इतनी दिक्कत है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, क्या वो बोल रहा है और क्या मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पता नहीं किधर है वो। पीछे की आवाज़ सुन के पता तो चल गया होगा ये कौन सी जगह है, ये है इस्कॉन टेम्पल। अभी हम अंदर जाएंगे इसमें और देखेंगे क्या चल रहा है अंदर। और भाई तो मिला नहीं,